गाइस, मैं हूं अंकित और आज हम लोग आए हुए हैं सेंट्रल लाइब्रेरी बिलासपुर में। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और लाइब्रेरी ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस लाइब्रेरी को ज्वाइन कर सकते हैं। यहां बस आपको जो फीस स्ट्रक्चर है वो मैं आपको बताने वाला हूं, साथ साथ कौन कौन से बुक्स मिलेंगी, किस वर्ग के लोग आ सकते हैं। वैसे तो मैं आपको यहां बस बता दूं कि छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्गों तक के लिए यहां बस बुक्स अवेलेबल है। वो सारी चीज़ें मैं आपको यहां बस विजिट कराने वाला हूं, तो मेरे साथ बने रहिएगा। और चलिए अब चलते हैं लाइब्रेरी के अंदर की ओर। सेंट्रल लाइब्रेरी बिलासपुर नूतन चौक में स्थित है और हाल ही में इसका इनॉग्रेशन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल जी के द्वारा किया गया है। यहाँ हम लोग मिलेंगे अभिषेक श्रीवास्तव से, जो कि यहाँ के टेक्निकल टीम से हैं, और उनसे जानेंगे लाइब्रेरी के फीचर्स के बारे में। बस यहाँ पर आ चुके हैं और हमारे साथ हैं अभिषेक श्रीवास्तव, जो कि यहाँ के टेक्निकल टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, टेक्निकल टीम में हैं। तो यहाँ पर ये हमको पूरा लाइब्रेरी विजिट कराने वाले हैं और इनके साथ हम लोग पूरा लाइब्रेरी को आज विजिट करेंगे। चलिए देखते हैं इनके साथ। एंट्री लेते हैं डिजिटल लाइब्रेरी में। सबसे पहले हमको फेस करते हैं दो तरीके का, हम आपको स्टार्ट अप करते हैं तो ये हमारा चाहिए बायोमेट्रिक का होता है। अच्छा, ये बायोमेट्रिक जी। इसमें जैसे हम कार्ड बनेगा, मेंबरशिप ले लेंगे जी, तो उसका एक कार्ड रहेगा जी जी। जब हम उस कार्ड को सामने स्वैप करेंगे तब ये दरवाज़ा खुलेगा। अच्छा, ठीक है। जैसे दरवाजा के अंदर एंट्री करेंगे, हाँ हाँ, उसके बाद हमको ये दूसरी QR मिलेगा जो कि हमारा क्या है, बुक को स्कैन करने वाला मशीन। अच्छा, यहाँ से बुक वगैरह स्कैनिंग होंगी। हाँ, मतलब आप अंदर अगर एंटर करते हैं तब हाँ ले जाते हैं तो ये हमको जी बीपी करके बता देगा जी जी, है ना। हाँ, यहाँ पे हमारे पास जो लाइब्रेरी, इधर हमारा डिजिटल लाइब्रेरी है और इधर सेंट्रल लाइब्रेरी। अच्छा, ये वाला सेंट्रल लाइब्रेरी। सेंट्रल बुक्स अवेलेबल है हमारे पास, 2500 से ज़्यादा बुक हमारे पास अवेलेबल हो चुके हैं। अच्छा, है ना, उसको लेके आप इधर बैठ के स्टडी कर सकते हो फिजिकल बुक। इधर हमारे पास टोटल 30 सिस्टम है जो कि हमारा ई लाइब्रेरी सिस्टम। अच्छा, जैसे अभी लाइब्रेरी जस्ट स्टार्ट ही हुआ है तो अभी कोई भी फर्स्ट स्टूडेंट अगर आता है तो उसको पहले क्या प्रोसीजर करना पड़ेगा, कहाँ से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा? हमारे पास यहाँ स्टाफ बैठता है ना, यहाँ हेल्प डेस्क है। हाँ, हेल्प डेस्क में यहीं से सीधा रजिस्ट्रेशन हो जाता है। हमारे पास ये फीस का जो स्ट्रक्चर ये फीस स्ट्रक्चर जी, ये मैं आपको फीस स्ट्रक्चर दिखा दे रहा हूँ यहाँ पास, इसको आप आराम से देख भी सकते हैं। और ये आपको सेंट्रल लाइब्रेरी एंड डिजिटल लाइब्रेरी रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना होगा, एक फ़ोटो लगेगा और एक आईडी प्रूफ रहेगा। ये आपका फॉर्म है, यहाँ से आप फॉर्म फिलअप कर यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं लाइब्रेरी का। और ये सारी फीस डिटेल जो आपको मैं बता रहा हूँ, बाकी है हमारा हेल्प नंबर है। और अगर कुछ आपको जानकारी भी प्राप्त करनी है तो इस नंबर पर डायरेक्ट कॉल करके भी आप जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो अभिषेक जी, नेक्स्ट हम लोग कौन सा पार्ट विजिट करने वाले हैं? अच्छा, किड्स जोन है ये, बच्चे लोग के लिए। कितने से कितने साल के बच्चों के लिए? हम 8 साल के बच्चों से 10 साल के लिए, 8 से 10 साल के बच्चों के लिए, छोटे बच्चों को हम किड्स जोन में रखेंगे। अच्छा, ये हमारा लाइब्रेरियन का सेक्शन, हाँ, जहाँ हम बुक इशू कराना, हाँ, है ना, रिफंड करना जो भी है वो यहाँ से होगा। अच्छा, ठीक है। जैसे हम अंदर जाते हैं, हमको ये किड्स जोन है। अच्छा, किड्स जोन में हमारे पास 65 इंच का डिस्प्ले टीवी है, हाँ, उसके थ्रू हम बच्चों को डायरेक्टली वीडियो ग्राफिक्स के थ्रू जो हमारा सिस्टम होता है खेल खेल में सीखने वाला, अच्छा, वो सब कराएंगे यहाँ, है ना, ये पूरा किड्स जोन है। अच्छा, इसके बाद जैसे हम इधर जाते हैं तो हमारा डिजिटल लाइब्रेरी, ई लाइब्रेरी जो हमारा है, हाँ, वो देख लेते हैं। ये ई लाइब्रेरी सेक्शन, ये ई लाइब्रेरी जी, ये यहाँ पर हमारे पास 30 सिस्टम ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुके हैं, सारे ऑपरेटिंग 30 सिस्टम है यहाँ पर, पूरा 30 सिस्टम है, 30 सीटिंग अरेंजमेंट है। ये पूरा आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर 30 सिस्टम्स हैं जहाँ स्टूडेंट्स बैठकर आराम से पढ़ाई कर सकते हैं।
ये हमारा सेंट्रल लाइब्रेरी, यहाँ पे हमारे पास फिजिकल बुक अवेलेबल है। ये पूरा ये फिजिकल बुक्स यहाँ पर बच्चे आराम से बैठ कर यहाँ पढ़ाई कर सकते हैं। हमारे पास ये फैसिलिटी है कि बुक्स है हमारे पास, आप अपना नोट्स ला के पढ़ना चाहते हैं वो भी आप ला के बैठ के यहाँ अच्छा कर सकते हैं, है ना। और इसके साथ साथ हमारे जो यहाँ पे जैसे आप मेंबरशिप ले लेते हैं, मेंबरशिप लेने के बाद हम जब इसमें जाते हैं तो इसमें मेंबरशिप लेने का फायदा ये है, सेंट्रल लाइब्रेरी एज वेल एज डिजिटल लाइब्रेरी दोनों का आपको फायदा मिलेगा। अच्छा, अलग से दोनों का रजिस्ट्रेशन कराने के, दोनों का कॉमन रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन में आप दोनों का फायदा ले सकते हैं। अच्छा जी। और ये सेंट्रल लाइब्रेरी की, डिजिटल लाइब्रेरी की ये फायदा है, जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं आपका आईडी पासवर्ड हम लोग बना देंगे। आईडी पासवर्ड बनने के बाद यहाँ पे जो हमारे पास 5000 प्लस बुक्स है उसको आप यहाँ से तो एक्सेस कर ही सकते हैं। इसी को आप हमारे जो वेबसाइट अमर बिलासपुर ई लाइब्रेरी के नाम से, हाँ, तो उसमें जाके आप आईडी पासवर्ड यूज करके आप उस बुक को अपने घर से भी लैपटॉप पीसी डिवाइस के थ्रू आप स्टडी कर सकते हैं। अच्छा, मोबाइल में भी आप देख सकते हैं। अच्छा अच्छा, आपको यही फैसिलिटी। और जो कैफेटेरिया सेक्शन है अभी शायद ओपन नहीं हुआ है, ऊपर ओपन नहीं होने वाला है, ऊपर में इसके ऊपर में हमारा है। अच्छा, इंक्यूबेशन सेंटर। अच्छा, इंक्यूबेशन सेंटर। अच्छा अच्छा, जो कि स्टार्टअप जो करते हैं या एंटरप्रेन्योरशिप जो रहते हैं उनके लिए वो हाँ हाँ और बहुत सारे बुक्स आने वाली हैं, किस किस फील्ड से रिलेटेड यहाँ पर बुक्स जो होंगी ताकि स्टूडेंट को इससे बेनिफिट मिल सके। यहाँ पे हमारे पास साइंस का, टेक्नोलॉजी का, इंजीनियरिंग का और कॉम्पिटिटिव का, लॉ की बुक्स और हमारा स्पोर्ट्स की बुक, हाँ, फिटनेस से रिलेटेड बुक, मतलब हर एज के ग्रुप के बच्चों को यहाँ बस अपने सुविधा अनुसार बुक मिल जाएंगी। और जैसे कोई अपना क्या बोलते हैं नया बुक ऐड कराना चाहता है, हाँ हाँ, उसके लिए हम डायरी मेंटेन कर रहे हैं, आप जो बताते जाएंगे उसकी रिक्वायरमेंट के ऊपर। अच्छा, बुक आते जाएंगे तो यहाँ पर जो आ रहे हैं वो अपना एक ये भी करा सकते हैं कि अपने बुक का जो रिक्वायरमेंट है उसको ऐड करते चलें ताकि आपकी जो उनकी डिमांड है वो जल्दी से जल्दी पूरे हो सके। वैसे तो देखा जाए तो बिलासपुर मुख्यतः जाना जाता है पीएससी के गढ़ के नाम से, तो यहाँ पर मोस्टली जो स्टूडेंट मिलते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के ही मिलते हैं, तो उनको वो अगर आते हैं तो अपने रिक्वायरमेंट को वो यहाँ नोट कराते जाएं अपने तरीके से, जो पीएससी का मार्केट में अवेलेबल था, जो कॉम्पिटिटिव कुछ छात्रों से बात की उन्होंने जो रिकमेंड किया उसके अकॉर्डिंग बुक हमने ऑलरेडी मंगाया। अच्छा, उसके अकॉर्डिंग कई लोग बच्चे अभी साइकोलॉजिस्ट वगैरह की भी तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जो मार्केट में जल्दी अवेलेबल होता। एक बार हम थोड़ा जो बुक सेक्शन है उसको देख सकते हैं। बिल्कुल सर, ये रैक है हमारा। अच्छा, ये रैक सिस्टम है। रैक सिस्टम है, हाँ, पूरा मतलब हमारे पास 24 रैक है। हाँ, अभी और इसमें ऐड होते जाएंगे, बुक की लिस्ट अभी बढ़ती जाएगी। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक है, एनसीईआरटी की बुक्स है जी, ऑल टाइप की बुक्स हमने ऑलरेडी रखा हुआ है यहाँ पे। तो सारी बुक्स यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी, आप चाहे इंजीनियरिंग की बुक्स देखें, मोटिवेशनल बुक्स देखें या फिर मेडिकल्स की बुक्स देखें, हर टाइप्स की बुक्स आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगी। बहुत सारी बुक्स और आने वाली हैं, ये कुछ बुक्स आप देख सकते हैं जो यहाँ पर अवेलेबल हैं। अच्छा, यहाँ से स्पिरिचुअल बुक्स हैं और इसको बेहतरीन तरीके से डिजाइन भी किया है, एक क्लॉक का शेप दिया गया है बुक्स को, जोन भी है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पर जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको 24 जो भी टाइमिंग रहेगा उसमें 24 घंटे वाईफाई भी मिलेगा। अच्छा, अगर आप भी एक स्टूडेंट हैं और चाहते हैं लाइब्रेरी ज्वाइन करना तो एक बार लाइब्रेरी को ज़रूर विजिट करिएगा। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।